नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर। शासन प्रशासन बेगा बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं दे रहा है, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को पढ़ने हॉस्टलों में भेज रहे हैं, जिससे बेगा बच्चा पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ सके। लेकिन बच्चों के अभिभावकों को क्या पता कि जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा गया है, उन्हीं बच्चों से अधीक्षक अपने घर में स्वीपर का काम तक करवा रहे हैं। मामला डिंडोरी जिले के समनापुर के बेगा छात्रावास बरगांव का है, जिसके अधीक्षक शंकर लाल आर्मो हैं। बेगा बालक आश्रम बरगांव से अपने निज निवास समनापुर में 8-10 बच्चों को लाकर शौचालय व नाली साफ करवाया जा रहा है। डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड के बेगा बालक आश्रम स्कूल का यह मामला आप देख रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहां भेजते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। यहाँ हॉस्टल अधीक्षक आश्रम के बच्चों को अपने घर पर लाकर उनसे शौचालय और नालियों की सफाई करवा रहे हैं। इस मामले को जब बीईओ हरि सिंह पड़ते से जानकारी लेनी चाहिए तो बीईओ कैमरे से बचते नजर आए। अब देखना यह है कि शिक्षा के जिम्मेदारों पर कौन कार्यवाही करेगा और आखिर क्या कार्यवाही करेगा। देखिए, अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही मानवीय विषय को आप लोगों ने देखा है। और ये जो अमानवीय कृत्य जो उनके द्वारा कराया जा रहा है, जो अधिकारी हैं, जो शासन के लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस समय वर्तमान समय में आदिवासियों का सुनने वाला कोई नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, गैर जिम्मेदार है और आदिवासियों के हित सुरक्षा में कहीं भी न मान सम्मान का ध्यान रखा, न कोई ध्यान रख रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी बच्चों के द्वारा इस तरह से नाली साफ कराने का जो कृत्य किए हैं, उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई, उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। शादी का झांसा देकर युवक और उसके दोस्त साथियों ने युवती की आबरू को किया तार तार। खंडवा जिले के पंधाना के एक गांव में युवती ने पुलिस को बताया कि 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पंधाना की 22 साल की युवती को खेगावड़ा गांव का रहने वाला सचिन पिता सोहनलाल शादी का झांसा देकर बाइक पर बैठा कर रुस्तमपुरा रोड स्थित पुलिया के पास ले जाकर उसका बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सचिन के दोस्त शुभम पिता जसवंत और संदीप पिता दुलीचंद भी वहां पहुंचे और सभी ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराएं लगाकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। 21/7/2018 को शाम 7:30 बजे करीब एक लड़की किराना की दुकान पर सामान लेने गई थी। उसका पूर्व परिचित सचिन निवासी खेगावड़ा का मिला। वो उसे वहाँ से शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। रुस्तमपुर रोड पर अंधेरे में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा बाद में उसने अपने दो साथी संदीप और शुभम को बुलाया, उनके द्वारा भी इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। प्रकरण कायम कर विवेचना में ले लिया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। एंकर 2। डिंडोरी जिले में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, ऊषा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के साथ साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण अभियानों के संचालन करने में सबसे महत्वपूर्ण और अहम, ये साथ ही सराहनीय योगदान भी होता है। ऐसे में सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, यह आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में इन कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डिंडोरी जिले के अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डिंडोरी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। सर, इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है, भूख हड़ताल थी हमारी 22 से 23 तक की। सिर्फ हमारी मांगे थी, हमको रेगुलर किया जाए, वेतन मान दिया जाए, हमको काम के बदले हमको कमीशन बेस में काम ना करवाया जाए, कमीशन ना दिया जाए हमको, उसके बदले हम यूनियन सरकार की तरफ अपनी हक की लड़ाई के लिए हमने भूख हड़ताल 2 दिवसीय रखा था 22 और 23 को। हमारी मांग तो सर्वप्रथम मांग है हमारी कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उसके बाद हमको प्रति माह वेतन के रूप में सरकार की तरफ से वेतन भी मिले,
वेतन अभी हमको कुछ नहीं मिलता, कमीशन प्रोत्साहन पे काम कर रहे हैं हमारे, वो भी नहीं मिलता, और वो भी 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक हो जाते हैं। 24 घंटे हमारे आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, हम नहीं देंगे वोट किसी को। डिंडोरी कोतवाली ने सूपखार इलाके से सट्टा खिलाते युवक को गिरफ्तार किया, उसके पास से सट्टा पर्ची और नकदी भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से सट्टे की खबर पुलिस को लग रही थी, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के चलते पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही थी। 3 मंजिला मकान संचालक निकला सट्टे का कारोबारी। डिंडोरी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। खंडवा मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत दाता साहब मलगांव में ग्रामीणों ने पंचायत के रोजगार सहायक सहित अन्य 2 अधिकारियों को बंधक बना लिया। मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद बंधकों को मुक्त किया गया। खंडवा जिले की खालवा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दाता साहब मलगांव में हितग्राहियों का धैर्य जवाब दे गया। दरअसल ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक अजय कुमार तिरोले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र शासन और राज्य शासन की किसी भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रुपयों की मांग की जाती है। यदि उनकी मांग को पूरा किया जाता है तो वह पात्र हितग्राही होने पर उसके द्वारा अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने हरसूद विधानसभा क्षेत्र से विधायक और सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह सहित खंडवा कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत खालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की थी, जिसके तारतम्य में जनपद खालवा से पहुंचे पंचायत निरीक्षक श्री विष्णु सिंह पट्टा और एडीओ लालचंद जगमलानी जांच करने पंचायत पहुंचे थे, जहां पहले से ही मौजूद ग्रामीणों ने मौके पर ही समस्या का निराकरण करने की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों सहित ग्राम रोजगार सहायक को पंचायत के कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में रोजगार सहायक द्वारा प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की मांग की गई है, और नहीं देने पर कागजों में तो कुटीर देना बताया गया है, पर वास्तव में हम कच्चे मकानों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं ग्राम रोजगार सहायक अजय कुमार तिरोले ने भी सभी लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह सब कार्य मैंने केवल पंचायत निरीक्षक विष्णु सिंह पट्टा और पूर्व सचिव द्वारका दास राठौर के कहने पर ही किया है। हालांकि इस विषय को लेकर खालवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश चंद्र टेमने से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार उनके द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया। उसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके नागेंद्र को फोन से अवगत कराया गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर इस प्रकार रुपये की मांग करते हुए किसी भी हितग्राहियों का हक छीनकर अपात्रों को लाभ दिया गया है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।